बहुत जन हैं जो बिगिनर होते हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, गोल के हिसाब से कितना खाना खाना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, रेशियो कितना होना चाहिए उनके गोल के हिसाब से, फैट लॉस के हिसाब से, उनके बॉडी वेट एंड हाइट के हिसाब से, कुछ भी नहीं पता। तो वो इधर उधर भटकते हैं, इनसे मांगते हैं, उनसे मांगते हैं, इनको पैसा देते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो अच्छा कोर्स तो मिल गया तो बहुत लकी है, अगर नहीं मिला तो बस गया, पैसा गया, टाइम गया, हेल्थ भी गया। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस संगीत नाथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत जिनका गोल रहता है फैट लॉस, मसल गेन, किसी को एंड्योरेंस के ऊपर काम करना है, किसी का स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, तो एक एक दिन में मैं एक एक टॉपिक को कवर करूँगा। आज का जो है फैट लॉस है, बहुत जिनका जो फैट लॉस गोल होता है तो वो अपने फैट लॉस गोल के लिए, प्रोग्राम के लिए कैसे मैक्रोस काउंट करते हैं। मैक्रोस का मतलब हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इसके ऊपर ही आपका पूरा न्यूट्रिशन कवर होता है 95%। तो आप अपने गोल के हिसाब से कितना मैक्रोस काउंट करोगे, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से, आपके आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से, आपका गोल कितना होना चाहिए आपका, वो जब आपका गोल आ गया, मुझे इतना करना है, इतना करना है, तो उसके लिए कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट आपको इंक्लूड करना है अपने डाइट पे, इस बारे में आज हम लोग पूरा टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे मैक्रोस काउंट फैट लॉस प्रोग्राम में, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। बिगिनर जो जिम में जस्ट ज्वाइन किए हैं, एक दो हफ्ता, एक महीना हुआ है, इंटरमीडिएट जिसके 4-5-6 महीना हो गया है, एंड एडवांस जो एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग करते हैं। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैक्रोस काउंट। मैक्रोस का मतलब मैंने बोल दिया पहले, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोगों का इजी हो जाएगा, आप खुद ही अपने गोल के हिसाब से अपना मैक्रोस काउंट कर सकते हो, एंड आप बोल सकते हो कि मुझे इतना लेना है, उतना लेना है, ये करना है, वो करना है। तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने एक मेल को लिया है जिसका बॉडी वेट है 100 kg एंड 6 feet का बंदा है, वो उसको फैट लॉस करना है। तो ये रहा मेल, 100 kg 6 feet। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले करेंगे कि उस बंदे का आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए वो हम लोग निकालेंगे। आइडियल बॉडी वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 feet को सेंटीमीटर पे लाएंगे। तो अगर ये 6 feet हुआ तो सेंटीमीटर पे आएगा 182 cm। 6 feet इक्वल टू 182 cm। तो 182 सेंटीमीटर को हम लोग 100 से माइनस करेंगे, 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 kg। 80 kg उस बंदे का आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, लेकिन हम लोग रेंज पे लाएंगे इतना से इतना। तो क्या करेंगे, 80 - 5, 80 + 5 इक्वल टू 75, 85। तो रेंज कितना होना चाहिए, 6 feet बंदे का फैट लॉस करेगा उसका आइडियल बॉडी वेट का रेंज हम लोग निकाल रहे हैं, रेंज कितना आया, 75 - 85। ये उसका रेंज होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर आया तो ये क्या, ये होगा ओवरवेट, नीचे आया तो अंडरवेट, बीच में आया तो ठीक है। तो अभी उस बंदे का बॉडी वेट कितना है, 100 kg। 85 से 15 kg ज्यादा है, मतलब ओवरवेट है। तो उस बंदे का बॉडी वेट कितना आया, 100 kg उसका था, लेकिन आइडियल बॉडी वेट रेंज कितना आया, 75 - 85, 15 kg एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओवरवेट। ये भी तो हो सकता है बंदा लीन गेन, लीन मसल पे हो सकता है ना, अगर कोई बॉडी बिल्डर निकल आया तो उसका तो ज्यादा ही होगा। तो पहले उसको हम लोग देखेंगे, देखने के बाद जज करेंगे कि वो उसके अंदर फैट है या नहीं है। अगर कोई बंदा फैटी नहीं है, लीन मसल मास है, तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से या लीन मसल मास के हिसाब से हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट निकालेंगे। तो किसके लिए हम लोग प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट निकालने के लिए किसके साथ हम लोग
किसके लिए हम लोग लीन मसल मास ले या किसके लिए हम लोग बॉडी वेट ले, वो आज हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको समझा के वो कवर। गोल फैट लॉस का है, बंदा फ्लैबी है, बंदे के अंदर बहुत सारा फैट है, वो कितना एक्स्ट्रा है, वो 15 kg एक्स्ट्रा है। उसका बॉडी वेट है 100 kg, आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 75 to 85। तो अभी एक रेशियो है, अगर आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से बंदा ओवर वेट है, एक्स्ट्रा ओवर वेट है, तो हम लोग उसका बॉडी फैट परसेंटेज 30 करेंगे। अगर आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से उसका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो हम लोग एक रेशियो को पकड़ लेंगे कि उसका बॉडी फैट कितना है, 30%। तो ये ज्यादा है तो इसका बॉडी फैट 30% मैंने पकड़ लिया, राइट। अभी जो बंदा ओवर वेट है आइडियल बॉडी वेट के रेंज के हिसाब से, तो उसका हम लोगों ने फैट कितना पकड़ा है, 30%। अभी हम लोग क्या करेंगे 30% से, बॉडी वेट माइनस उसका बॉडी फैट माइनस करेंगे, क्या निकलेगा, लीन मसल मास, राइट। तो उसका बॉडी वेट है कितना, 100 माइनस 30% कितना आएगा, वही उसका लीन मसल मास होगा। तो इस बंदे का LBM लीन बॉडी मास कितना है, 70 kg। अभी इसके हिसाब से हम लोग मैक्रोस काउंट करेंगे। बोर्ड मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, अभी और अच्छे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बॉडी वेट है 100 kg, मेल 100 kg है, जिसका फैट लॉस करना है, उसका आइडियल बॉडी वेट कितना आ गया, 75 to 85 आइडियल बॉडी वेट। बंदा क्या देखा, बंदा ओवर वेट है, जैसे ही ओवर वेट आ गया, अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से उसका एक्चुअल बॉडी वेट रेंज में आता है, उसको फैट लॉस करना है, तो हम लोग उसका कितना परसेंटेज लेंगे, बॉडी फैट 15%। अगर ज्यादा हो गया आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से तो कितना लेंगे, 30%। अब ये बंदा ज्यादा है, 100 केजी का है, तो क्या करेंगे, इसका बॉडी फैट परसेंटेज हम लोग क्या लेंगे, 30%। ये एक रेशियो है। अभी वो 100 केजी का है, हम लोग 30% बॉडी फैट माइनस करेंगे तो 70 केजी आएगा। 70 केजी क्या आएगा, लीन बॉडी मास, लीन बॉडी मास 70 केजी आएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि बंदा वर्कआउट कैसे करता है, वो जिम जाता है कि नहीं जाता है, अगर जाता है तो क्या बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है। अगर जिम जाता है, बिगिनर है या नहीं भी जाता है, तो हम लोग प्रोटीन का रेशियो कितना पकड़ेंगे, लीन बॉडी मास इंटू 1.5 अगर वो बिगिनर है तो, बिगिनर या जिम नहीं जाता है, लगभग थोड़ा काम बम करता है। अभी वो इंटरमीडिएट ट्रेनिंग करता है, थोड़ा बहुत करता है, 3-4 महीना हो गया, तो उसका प्रोटीन का रेशियो कितना पड़ेगा, 2। और वो एडवांस करता है तो 2.5, किसके हिसाब से, लीन बॉडी LBM into। अगर वो बंदा बिगिनर है तो उसके लिए लीन बॉडी मास इंटू 1.5 प्रोटीन, लीन बॉडी मास इंटू 2 प्रोटीन हो गया इंटरमीडिएट के लिए, और एडवांस के लिए 2.5 इंटू लीन बॉडी मास। अभी देखिए आपका, आप कैसे वर्कआउट करते हो, बंदा कैसे वर्कआउट करता है, कुछ भी हो। अभी नेक्स्ट आ गया फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर बिगिनर है तो हम लोग क्या करेंगे, लीन बॉडी मास इंटू 1.5, फैट भी हम लोग 1.5 ही देंगे,
और इससे 50 ग्राम एक्स्ट्रा मैक्सिमम दे सकते हैं 50 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 30 ग्राम। तो 70 केजी का है, 70 केजी का 1.5 ग्राम इंटू प्रोटीन कितना हो गया, 70 इंटू 35 105 ग्राम प्रोटीन। फैट कितना हो गया, 105 ग्राम प्रोट फैट, लेकिन 50 ग्राम एक्स्ट्रा हो सकता है मैक्सिमम 155 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 30 ग्राम। अभी अगर वो बंदा इंटरमीडिएट या एडवांस करता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन के लिए 70 इंटू 2.5 ग्राम प्रोटीन, फैट 70 इंटू 2.5 ग्राम प्लस मैक्सिमम 50 ग्राम एक्स्ट्रा कर सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट 30 पकड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि गोल फैट लॉस है। अगर इंटरमीडिएट हुआ तो लीन मास इंटू 1.5, नो वो बिगिनर के लिए, अगर वो इंटरमीडिएट है तो लीन मास इंटू 2 प्रोटीन, लीन मास इंटू 2 ग्राम फैट प्लस 50 ग्राम तक हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट 30 ग्राम। तो मैक्रोस काउंट करने के लिए हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने देखा बंदे का बॉडी वेट कितना है, हाइट के हिसाब से आइडियल बॉडी वेट हम लोगों ने निकाल लिया, रेंज 75 to 85 है। अभी वो ओवर वेट है तो 30% बॉडी फैट के हिसाब से लीन मसल मास हम लोगों ने निकाल लिया 70 के जी, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रोटीन का रेशियो लीन मास इंटू 1.5 फॉर द बिगिनर, लीन मास इंटू 2 फॉर द इंटरमीडिएट एंड लीन मास इंटू 2.5 फॉर द एडवांस, इस हिसाब से प्रोटीन का रेशियो निकालेंगे। प्रोटीन एंड फैट का रेशियो 1:1 हो सकता है, लेकिन फैट 50 ग्राम तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो एंड कार्बोहाइड्रेट 30 और बिलो 30% या 30 ग्राम, ये हो गया। अभी आप बोलेंगे कि 30% ही क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, ये एक मार्जिन के हिसाब से चलता है। अगर किसी का बॉडी वेट इस रेंज में आता, 75 to 85 रेंज में आता, तो हम लोग फैट लॉस करना है उसको, तो हम लोग पकड़ते उसका बॉडी फैट 15%, तो हम लोग निकालते फॉर एग्जाम्पल उस बंदे का बॉडी वेट आया, एक्चुअल बॉडी वेट है 80 के जी आता, तो रेंज के अंदर ही है 75 to 80 रेंज, तो हम लोग क्या करते 80 के जी माइनस 15% इक्वल टू लीन बॉडी मास जो निकलता उसके हिसाब से हम लोग रेशियो करते हैं कि इंटरमीडिएट हुआ तो लीन मास आ गया, अभी उसके लिए ये ये ये। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि आपको अगर पहले देखना है कि वो बंदा फ्लैबी है या मस्कुलर है, अगर मस्कुलर हुआ तो हम लोग लीन बॉडी मास के हिसाब से रेशियो नहीं करेंगे, हम लोग बॉडी वेट के हिसाब से करेंगे। अगर ये 80 केजी का बंदा जिसका आइडियल बॉडी वेट 75 to 85 होना चाहिए, इसके रेशियो में होना चाहिए, वो अगर हम लोगों ने देखा कि वो फ्लैबी है, फैट है, तो हम लोग उसका लीन बॉडी मास निकालेंगे, उसके हिसाब से रेशियो करेंगे। अगर ये बंदा फिट है, टोन्ड है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 80 केजी इंटू करेंगे, 80 केजी बॉडी वेट इंटू 1.5 फॉर द बिगिनर प्रोटीन, 80 केजी वो फिट है इंटू 2 इंटरमीडिएट इंटू 2.5 एडवांस, तो उसके हिसाब से प्रोटीन का निकल गया। प्रोटीन का अगर निकल गया तो आप प्रोटीन का अगर जो निकला 1:1 जो प्रोटीन का निकला वही फैट का निकलेगा, लेकिन फैट को बनाने के लिए भी फैट चाहिए है ना, फैट को, तो इसलिए हम लोग 50 ग्राम उसको एक्स्ट्रा रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से अगर प्रोटीन आया 100 ग्राम्स, तो हम लोग फैट 100 प्लस 50 150 ग्राम तक मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बिलो 30 ग्राम्स या मैक्सिमम 30 ग्राम्स ले सकते हैं। अभी ये तो गया मेल, फीमेल का भी क्या होगा, लेकिन फीमेल का आइडियल बॉडी वेट निकालने का थोड़ा अलग रेशियो है। क्या है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल जिसका बॉडी वेट है 90 केजी एंड हाइट है 5 feet 5 inches इक्वल टू 165 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाला, फीमेल के बारे में बात कर रहा हूं, उसका कितना आया 165, तो 165 माइनस 100
कितना आया 65। अगर ये मेल होता तो 65 आता, इसके अंदर प्लस 5 करता 70 आता, माइनस 5 करता 60 आता, तो 60 से 70 आइडियल बॉडी जो वेट है वो रेंज आ जाता। लेकिन ये फीमेल है, इसका 65 आया। अभी इसके साथ थोड़ा छेड़खानी करना है, फीमेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, -10% करते हैं। 60% माइनस 10%, इसका 10% कितना हो गया, 65 माइनस 6.5, ऑलमोस्ट 59 पकड़ लेते हैं, 59 केजीस। अभी इसके साथ प्लस माइनस करेंगे, अगर 59 माइनस 5, 59 प्लस 5 कितना हुआ, 54 और उधर 64, तो आइडियल कितना आया, 54 to 64 आइडियल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट आ गया। अभी कित क्या आया, 54 to 64 आया। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका जो एक्चुअल है ये वाला, ये ज्यादा रेशियो है, अगर ज्यादा है तो हम लोग कितना फैट परसेंटेज पकड़ेंगे, 30, राइट। अगर रेंज में आता और फैट निकलता देख के, हाँ फैटी है, तो कितना करते, मेल में कितना किया था 15, इसमें करेंगे 20, तो बॉडी फैट माइनस बॉडी वेट माइनस बॉडी फैट आ जाएगा, लीन बॉडी मास आ जाएगा। मैंने बोला कैसे आपको लीन बॉडी मास निकालना है, उसके बाद उसको इनटू करना है सिंपल, जैसे फीमेल का होता है मेल का होता है 1.5, 2 और 2.5 एक्सेट्रा, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा क्लियरेंस दे कि कैसे अपना मैक्रोस काउंट करना है, उस हिसाब से आप लोग बहुत अच्छा अपना डाइट को बना पाओगे, कितना प्रोटीन लेना है, इतना फैट लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो आप चल सकते हो, कोई आपको बुद्ध नहीं बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन एक थम्स अप तो बनता है।